तो हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फैक्ट फैंटेसी। क्या आपको पता है एक एयरप्लेन कितना माइलेज देता है, मतलब कि एक लीटर फ्यूल में कितना किलोमीटर चलता है? अगर हम एक बोइंग 747 एयरप्लेन का एग्जांपल लें, जो कि सबसे फेमस पैसेंजर्स प्लेन में से एक है, तो उसकी टॉप स्पीड 988 किलोमीटर पर आवर की है, मतलब कि 988 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा में उड़ता है। और वो उड़ते समय 4 लीटर फ्यूल हर एक सेकंड में यूज करता है, मतलब कि एक सेकंड में 4 लीटर तेल हवा में उड़ने के लिए एक प्लेन को चाहिए, यानी कि सिर्फ एक किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 12 लीटर फ्यूल चाहिए, मतलब एक मिनट में 240 लीटर फ्यूल जल जाता है, और एक घंटे में 14,400 लीटर फ्यूल एक एयरप्लेन यूज करता है उड़ते समय, मतलब सिर्फ एक घंटे में 14,400 लीटर फ्यूल। मान लो कि एक बोइंग 747 एयरप्लेन न्यू दिल्ली से लंदन जा रहा है और वहाँ जाने के लिए उसे 10 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा, तो इतने देर में वो प्लेन 1,44,000 लीटर फ्यूल यूज करता है, मतलब कि दिल्ली से लंदन जाने के लिए एक प्लेन लगभग 1,50,000 लीटर तेल यूज करता है। मतलब एक लीटर तेल में एक एयरप्लेन सिर्फ 83 मीटर चलता है, मतलब सिर्फ 83 मीटर। जैसे एक रॉयल इनफील्ड बाइक एक लीटर तेल में 35 किलोमीटर चलता है, और वहीं एक स्प्लेंडर प्लस बाइक एक लीटर तेल में 65 से लेकर 81 किलोमीटर तक चलता है, उसी तरह एक प्लेन एक लीटर में सिर्फ 83 मीटर चलता है, मतलब एक प्लेन का माइलेज 83 मीटर पर लीटर होता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि एक एयरप्लेन इतना तेल यूज क्यों करता है, तो मैं आपको बता दूं, एक एयरप्लेन का वजन पैसेंजर्स और फ्यूल के साथ लगभग 3 लाख से लेकर 4 लाख किलोज तक होता है, और उसे इतने हाइट पर खुद को मेंटेन भी करना होता है, मतलब कि हवा में खुद को बैलेंस भी करना होता है। यही कारण है कि एक प्लेन सिर्फ 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए, मतलब कि 1 किलोमीटर उड़ने के लिए 12 लीटर फ्यूल यूज करता है। और एक बात, जैसे कार्स और बाइक्स में पेट्रोल और डीजल यूज होता है, उसी तरह एयरप्लेन में क्या यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एयरप्लेन में पेट्रोल और डीजल यूज नहीं होता, बल्कि एयरप्लेन्स में एविएशन फ्यूल यूज होता है, जैसे कि अनलीडेड किरोसिन, जिसे जेट A1 फ्यूल भी कहते हैं, और दूसरा फ्यूल होता है नेफ्था किरोसिन ब्लेंड, जिसे Jet B फ्यूल भी कहते हैं। ये दो मेन फ्यूल्स हैं जो कि एयरप्लेन में यूज होते हैं, मतलब कि अधिकतर एयरप्लेन्स में यही दो मेन फ्यूल यूज होते हैं। और बात करें एविएशन फ्यूल के कॉस्ट की, तो एक लीटर जेट फ्यूल या फिर एविएशन फ्यूल का एवरेज कॉस्ट 60 से लेकर 70 रुपये तक होता है आज के डेट में, जो कि पेट्रोल और डीजल से बहुत ही कम है। और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात, लोग अक्सर पूछते हैं कि जब एयरप्लेन हवा में उड़ने से पहले प्लेन का इंजन ऑफ रहता है, तब रनवे पे प्लेन के AC बल्ब, मतलब कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कैसे चलती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने एयरप्लेन्स के पास अक्सर इसे तो देखा ही होगा, इसे GPU कहते हैं, मतलब कि ग्राउंड पावर यूनिट। जब प्लेन खड़ा रहता है और इंजन बंद होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता है, मतलब कि बिजली नहीं बना पाता है, तब यही प्लेन को पावर देता है, जो कि आप सभी अभी देख पा रहे होंगे। और ये देखो, यहाँ से वायर प्लेन में कनेक्ट है, जो कि एयरप्लेन को GPU से पावर सप्लाई कर रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें, वीडियो के सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।